हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम एंटरटेनमेंट पे। आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे बेर का मिल्क शेक बनाने के बारे में। सबसे पहले हमने 6 बेर लिए हैं और 6 बेर के लिए हमने 1 ग्लास दूध लिया है, और जो दूध है बहुत ही ठंडा है, तो फिर आप भी ठंडे दूध का ही यूज़ करिएगा, गर्म दूध में मत बनाइएगा। अगर आप चाहें तो 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। हमने भी इस दूध को 10 मिनट के लिए, ठंडे दूध को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। चलिए आपको बना के दिखाते हैं बेर का मिल्क शेक। जो बेर हमने लिए हैं उसे बारीक कट कर लेंगे बीज को निकालने के बाद। देखिए, हमने बेर को बारीक कट कर लिया है। अब बेर को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब इसमें हम स्वादानुसार शक्कर डाल रहे हैं। 1 ग्लास के लिए हम 1 चम्मच शक्कर इसमें ऐड करेंगे और आधे दूध को भी डाल देंगे। आधा दूध हम बाद में डालेंगे। देखिए, हमने आधा ग्लास दूध इसमें ऐड कर लिया है, आधा ग्लास बाद में ऐड करेंगे। चलिए इसे ग्राइंड करके आपको दिखाते हैं। देखिए कितने अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब इसमें हम बचा हुआ दूध डाल देंगे। देखिए, बचा हुआ दूध हमने डाल दिया है। थोड़ा दूध पहले इसलिए डाला था ताकि बहुत ही आसानी से बारीक ये पिस जाए, तो इसलिए आप पहले थोड़ा दूध ही ऐड करिएगा। चलिए ग्लास में निकाल के इसे दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, तैयार हमारा बेर का मिल्क शेक। इंग्लिश में इसे जुजुबे भी कहते हैं। हमने इसे बहुत ही बेसिक वे पे आपको बताया है, तो हमने ज्यादा ड्राई फ्रूट्स यूज नहीं किए हैं। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स हों उस समय अवेलेबल, आप उसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।